डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरत मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए घमासान प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के इटावा और धौरहरा में करेंगे जनसभा। रामलला के दर्शन और पूजन के बाद अयोध्या में होगा रोड शो। चुनावी रण में अमित शाह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भरेंगे हुंकार। वहीं जेपी नड्डा ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र करेंगे जारी। डॉक्टर एस जयशंकर कटक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में होंगे शामिल। 24 की चुनौती में विपक्ष ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूब नगर में करेंगे सार्वजनिक बैठक। सपा बसपा और आरजेडी के दिग्गज भी प्रचार में जुटे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायु सेना के काफिले पर कायराना आतंकी हमला। एक जवान शहीद, 4 जख्मी। नेताओं ने की हमले की निंदा। काहिरा में जारी गजा युद्ध विराम वार्ता का आज दूसरा दिन। पहले दौर की बातचीत रही सकारात्मक। हमास ने संघर्ष को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आईपीएल के पहले मैच में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। कल आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से दी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी सीट पर है। सपा ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं इस चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और मध्य प्रदेश में 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटों, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2-2 सीटों पर भी मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं। पीएम आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। पीएम आज सबसे पहले यूपी के इटावा में जनसभा करेंगे। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को फिर से मैदान में उतारा है। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचेंगे, जहां वो हर गांव स्थित लेगून फील्ड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा, खीरी और मिश्रिख के मतदाताओं को विजय संदेश देंगे। दिन के अंत में पीएम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचेंगे।
पीएम अयोध्या में श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो करेंगे। चुनावी घमासान में सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रैली करेंगे। अमित शाह आज एनडीए और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। वे आंध्र प्रदेश में हिंदुपुर लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। वहीं तेलंगाना में अमित शाह 3 चुनावी रैलियों में मतदाताओं को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की आदिलाबाद, निजामाबाद और मल्काजगिरी में चुनावी रैली है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज ओडिशा के कटक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य में पार्टी के प्रचार अभियान को धार देंगे। वे सागर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूब नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाहजतार के पास आतंकवादियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए, जिसमें से 1 जवान शहीद हो गया। कई नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादियों के हमले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर हमले की कड़ी निंदा की है। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप वायुसेना के 4 साहसी जवान घायल हो गए। उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर बेहतर रहा है। अंक तालिका में 5वें पायदान पर काबिज चेन्नई की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत और 5 में हार झेलनी पड़ी है। दूसरी ओर पंजाब की टीम अब तक खेले गए 10 मैचों में से 4 ही जीत पाई है और ये टीम अंत तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों का सफर इस सीजन में शानदार रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो ये टीम 14 अंक लेकर तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 12 अंक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है। आज होने वाले मुकाबले में जीत के साथ दोनों टीमों की कोशिश प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत करने की होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हरा दिया है। मैच में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 19.3 ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
जवाब में बेंगलुरु ने 13.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 152 रन बनाए और मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। आरसीबी के लिए फॉफ डू प्लेसिस ने 23 गेंदों में 64 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 42 रन बनाए। तो हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी शरद मुदगल को यही अनुमति दें। नमस्कार।